अली गोनी और रूबीना के खिलाफ जाके आखिरकार जैस्मिन ने क्यों सपोर्ट किया राहुल वैद्य को एज अ संचालक, आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, कल राहुल वैद्य पे घर के बहुत सारे कंटेस्टेंट्स उंगलियां उठा रहे थे कि राहुल वैद्य नहीं है फेयर संचालक। ऐसे में रूबीना, अभिनव शुक्ला, जैस्मिन भसीन, अली गोनी, ये सारे कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं संचालक राहुल वैद्य के फैसले से नाखुश थे। लेकिन फिर बाद में जैस्मिन का अचानक ही माइंडसेट बदलता है और वो कहती हैं कि राहुल वैद्य अपनी जगह बहुत सही हैं, अगर मैं भी संचालक होती तो मैं भी शायद इस बात को सोचती। और यहाँ पे जैस्मिन भसीन राहुल वैद्य का स्टैंड लेते हुए अली गोनी को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि राहुल ने अपनी जगह जो किया बहुत सही किया। तो उसके दिमाग में ये आया कि चलो ठीक है, कविता को बनाना चाहिए कैप्टन, उसने बना दिया, ये तो एक गेम है और हम इस गेम में जीतते हारते रहते हैं, इस चीज़ को लेके मैं अपसेट नहीं होंगी। ये बातें जो है जैस्मिन भसीन बोलते हुए नजर आई अली गोनी के सामने, जब रूबीना बैठ के अली गोनी के कान भर रही थी राहुल वैद्य के खिलाफ। उस समय जैस्मिन ने बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर राहुल वैद्य का जो स्टैंड लिया है ना दोस्तों, हैंड्स ऑफ, मजा आ गया। मतलब जैस्मिन ने पूरा सीन ही पलट लिया। एक तरफ जहां पे रूबीना जो है कान भर रही थी अली गोनी की, तो वहीं पे जैस्मिन भसीन आती हैं, रूबीना की बोलती बंद कर देती हैं, तो वहीं पे अली वहां से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि अली को भी ये चीज समझ में आ जाती है कि जो बातें जैस्मिन कह रही है वो शायद सही है। और अली जो है अपनी फ्रेंडशिप अपने फ्रेंड यानी कि राहुल वैद्य को एक मौका और देने की सोचते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जैस्मिन भसीन का स्टैंड राहुल वैद्य के लिए आपको कितना सही लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।